हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आ रहे हैं आज आपके साथ एक नई सीरीज की स्टार्ट करने के लिए। ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम बात करेंगे वैल्यू स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग मोट्स की। ऐसे 10 स्टॉक्स की ये सीरीज हमने बनाने वाले हैं, जिसका पहला स्टॉक आज बात करेंगे डिवीज लैब की। इस सीरीज में जो पहले हमने जो सीरीज की थी 10 स्टॉक्स ऑफ FY24 में, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक डिफरेंस है कि इस सीरीज, क्योंकि बहुत सारे वहां पर कमेंट्स आए थे कि बहुत बड़े बड़े वीडियोस हो रहे हैं, तो उसको छोटा करने के लिए, मुद्दे की बात करने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज किया है। क्या चेंज किया है? थोड़ा और इंटरेस्टिंग किया है। तो इसमें हम कंपनी का बिजनेस मॉडल तो समझाएंगे ही, लेकिन ज़्यादा बात मुद्दे की करेंगे, मतलब मोट्स की करेंगे, उसके रिस्क की करेंगे, उसके वैल्यूएशन की करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मेट को हमने क्या किया है, हमने मोड्स और रिस्क का एक वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो में मैं और मंदार बात करने वाले हैं, एंड एक वैल्यूएशन का अलग वीडियो बनाएंगे, जो परिमल बहुत ही जल्दी, मतलब टुमारो ही आपके पास वो आने वाला है, जिसमें इसी कंपनी का, जैसे आज हम डिवीज की बारे में बात करेंगे, तो इसी कंपनीज का हम वैल्यूएशन सेपरेटली परिमल विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो दैट इज हाउ द फॉर्मेट। डू लेट अस नो फीडबैक अबाउट दिस फॉर्मेट एज वेल, क्योंकि उस पर ये फीडबैक आया था, बहुत लंबी वीडियो था, तो थोड़ा छोटा करने की कोशिश है, ठीक है। ये डीवीज अगेन वन ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक, ठीक है। तो उसकी बारे में हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे हिसाब से एक वैल्यू विद मोट स्टॉक है या नहीं है वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट हम जो है उसके बारे में बताएंगे कि उसमें क्या क्या मोड्स हैं, और उसकी वैल्यू भी डिस्कस जो है डिटेल में होगी। तो पहले तो डिवीज लैब करता क्या है, आपको पता ही, एक फार्मा कंपनी है मेजरली, लेकिन दे आर नॉट इन फॉर्मुलेशन। तो मेजरली क्या करते हैं, वो API बनाते हैं। API क्या होता है आपको पता ही है, कि एक की इंग्रेडिएंट होता है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पैरासिटामोल क्लोसिन लेते हैं, तो उसमें जो की मॉलिक्यूल है जो हमें ठीक करेगा, वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट इज API। तो वो बनाते हैं, बल्क में बनाते हैं। उनके कस्टमर कौन है, बड़ी फार्मा कंपनीज लाइक जैसे फाइजर हो गया, ये सब कंपनीज हैं जो उनसे मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं उस ड्रग की। तो वो उनको बल्क में देते हैं, फिर उसके बाद वो उसके उसको पैकेजिंग वगैरह सारा, उसको फॉर्मुलेशन बना के सब चीज़ें फिर हमें मिलती हैं, राइट। तो ये API बनाती है, उसकी इंडिया में दे आर द बिगेस्ट कंपनी करंटली। दे ऑल्सो डू कस्टम सिंथेसिस। अगर आपने हमारा PI इंडस्ट्रीज का वीडियो देखा होगा, आई एम श्योर, ठीक है, उसमें भी कस्टम सिंथेसिस की बात की थी, लेकिन वो एग्रो के हिसाब से, एग्रीकल्चर केमिकल्स के हिसाब से बात की थी। यहाँ पर डीवीज ऑल्सो डू कस्टम सिंथेसिस। बेसिकली कस्टम सिंथेसिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होता है फार्मा कंपनीज की, ठीक है, जो एक छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है ड्रग की फ्रॉम रिसर्च परस्पेक्टिव, ठीक है, और उसमें कुछ रिसर्च पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, उसमें प्रोसेसेस पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो वो भी ये करते हैं, उसमें से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो वो इनका काफी बड़ा बिजनेस है, कस्टम सिंथेसिस हायर मार्जिन बिजनेस मोस्टली है। दे डोंट टेल अस, बट वी मोस्टली नो कि वो एक काफी हायर मार्जिन बिजनेस है एज कम्पेयर टू API। थर्ड, दे ऑल्सो हैव ए न्यूट्रासिटिकल बिजनेस, ठीक है, उसमें न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स भी दे मेक, तो वो भी एक छोटा बिजनेस है। तो ओवरऑल जो अगर लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बात की जाए, तो ऑलमोस्ट 51% उनका रेवेन्यू जो आता है वो API से आता है, ठीक है। 41% रेवेन्यू जो है वो कस्टम सिंथेसिस से आता है, एंड सिर्फ 8% रेवेन्यू न्यूट्रास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो इस तरह से ये कंपनी है, ठीक है। अब हम सीधा घुस जाएंगे उनके मोड्स पे, हम फाइनेंशियल के अलग से बात नहीं करेंगे, इंडस्ट्री के अलग से, तो वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। और एक आपको, जैसे मैंने बोला, मुद्दे की बात पे डायरेक्टली आते हैं। तो पहला इनका सबसे बड़ा मोड जो मुझे लगता है वो है क्लियर फोकस ऑन मेकिंग APIs एंड नॉट एंटरिंग इनटू फॉर्मुलेशंस। वो बहुत अलग है। बहुत सारी कंपनीज, अगर डॉक्टर रेड्डीज से बात की जाए, सिप्ला भी, मतलब बहुत हमारी जो टॉप फार्मा कंपनीज हैं, वो सब API भी बनाती हैं, बट बड़े प्लेयर फॉर्मुलेशन में है। सन फार्मा की बात करें, सबके बारे में बात करें, सब API बिजनेसेस में है, लेकिन API बिजनेस उनका ग्रो नहीं हो रहा, लेकिन डिवीज का ग्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर फोकस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट। तो उससे क्या है, API प्रोडक्ट किसको बेचे जाते हैं, API हम नहीं लेते ना, मतलब हम कंज्यूमर नहीं लेते उसको, दूसरी फार्मा कंपनीज उस API को बाय करती है, फिर उससे फॉर्मुलेशन बनाती है, और फिर हमारे पास वो डॉक्टर के थ्रू आता है। तो उनका कस्टमर दूसरा फार्मा कंपनी है। अब दूसरा अगर फार्मा कंपनी होगा, तो उनको वो रिलेशनशिप काफ़ी ट्रस्ट पे होता है, क्योंकि काफ़ी सारे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, या फिर पेटेंटेड नहीं भी हैं, बट उनका उनका जो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो दे डोंट वांट टू शेयर विद लॉट ऑफ वर्ल्ड।
तो वो एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रखना होता है, कंपनी टू कंपनी रिलेशनशिप, वो बहुत स्ट्रांग रखते हैं। देश है कि भाई जो आप बना रहे हैं हम, मेरे को नहीं बनाना, जो वो आपकी स्ट्रेंथ है आप फॉर्मुलेशन बनाओ, मेरी स्ट्रेंथ API है, मैं एक मास स्केल पे API मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, वो मेरी स्ट्रेंथ है और उसी पे मैं रहूंगा, मैं आपके साथ कॉम्पीट नहीं करूंगा। डीवीज डोंट कॉम्पीट विद कंपनीज लाइक, जैसे मैंने बोला, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, राइट, GSK, इनके साथ डीवीज कम्पीट नहीं करता, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज करता है, सिप्ला करता है, सन फार्मा करता है, लेकिन डिवीज नहीं करता, राइट। तो वो बहुत बड़ा इनका मोट है, राइट। तो दे आर बेसिकली कस्टम सिंथेसिस करते हैं, ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं इन्हीं कंपनीज की, जैसे बड़ी कंपनीज की, और जब वो पेटेंट लॉस हो जाता है तो उसमें जो जेनरिक API मैन्युफैक्चरिंग है वो भी डिवीज करता है। तो ये दोनों उसमें है, एंड एज आई सेड इट्स अ कंप्लीटली अ B2B प्ले, B2B कंपनी है ये प्योरली। सो दैट्स हाउ बेसिकली दे वर्क। दे आर वन ऑफ द टॉप टू API मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और किसके लिए? 18 आउट ऑफ 30 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब 30 मॉलिक्यूल्स का API मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब 30 ऐसे ड्रग्स का मैन्युफैक्चर, उसमें 18 में दे आर टॉप टू प्लेयर्स, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है इंडिया के, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया चाइना प्लस वन बन रहा है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ी मार्केट बन सकती है, और उनका क्लियर फोकस वो मेरे को रिलेशनशिप बिल्डिंग की वजह से B2B में वो काफ़ी अच्छा है। तो ये सबसे बड़ा मोट है। सेकंड, ठीक है, उनके मतलब की APIs में दे हैव ए मार्केट लीडरशिप, ठीक है। और मतलब काफ़ी सारे ऐसे API हैं जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांग है, उसमें बहुत सारा एक अर्थराइटिस ट्रीट करने के लिए एक मेडिसिन यूज होती है जैसे नेप्रोक्सिन, उसमें 70-80% मार्केट शेयर है उनका, ठीक है, ग्लोबल मार्केट शेयर, मतलब वहाँ उसका API ये बनाते हैं। ऐसे कफ सप्रेसेंट्स हैं कई सारे, डेक्सोमॉर्फिन, ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट 70% इनका मार्केट शेयर है। अगेन दे हैव नॉट गिवन दीज फिगर्स, ये हम डिडक्ट कराया है हमने। ऐसे कुछ एपिलेप्सी के ड्रग्स हैं या नर्व पेन के हैं, उसमें इनका 50% मार्केट शेयर है। तो कुछ मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का API बना रहे हैं, बहुत सारे सिर्फ 30 ही मॉलिक्यूल का API बना रहे हैं, लेकिन उसमें ज़बरदस्त मार्केट शेयर दे गेन, ठीक है। तो उन सब कंपनीज के साथ दे वर्क, तो दैट इज़ वॉट रियली मतलब फोकस क्लियरली समझ आता है कि हम कुछ ही चीज़ें करेंगे, लेकिन मतलब उसमें वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, उसमें फोकस करेंगे, उसमें लंबा गेम खेलेंगे, तो दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। और सिमिलरली बहुत सारे ड्रग्स ऑफ पेटेंट जा रहे हैं नियर फ्यूचर में, जैसे हुमायरा है, बहुत बड़ा ड्रग है जो इसी साल ऑफ पेटेंट जा रहा है, $20 बिलियन का उसका सेल है, तो उसमें दे कैन प्ले अ रोल। सिमिलरली रेवलिमिड है, उसका भी ऑलमोस्ट $13 बिलियन का सेल है, वो 2025 में ऑफ पेटेंट जा रहा है। तो ये सारे ड्रग्स जैसे जैसे ऑफ पेटेंट जाएंगे तो डिवीज विल बेसिकली टेक, आई एम श्योर दे विल टेक पार्ट, एंड देन द सेल कैन मतलब अपना रेवेन्यू वगैरह बढ़ सकता है। तीसरा मोड जो है वो बहुत मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है इनका, वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि डिवीज सिर्फ एक API नहीं बनाता, अब API बनाने के लिए मतलब वो केमिकल बनाने के लिए और भी केमिकल लगते हैं, बेस केमिकल्स लगते हैं, जो बेसिक केमिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज, जो बाकी API कंपनी है, वो चाइना से ये केमिकल्स आते हैं मोस्टली, लेकिन डिवीज जो है वो केमिकल बनाता है, कुछ ड्रग्स के वो केमिकल ही बनाता है, ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली इम्पोर्ट इंडिपेंडेंट है, इम्पोर्ट करता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन दे हैव स्टार्टेड डूइंग। तो उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसलिए की कि भाई ताकि इम्प्योरिटी हट जाए, प्रॉब्लम्स, क्वालिटी प्रोसेस इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, और ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग भी हो जाए। तो दे आर डूइंग दोज की स्टार्टिंग मटेरियल जो बोला जाता है, वो बेस केमिकल्स जो बनते हैं जिससे ये कॉम्प्लेक्स API बन रहा है, वो बेस केमिकल भी डिवीज कुछ ड्रग्स की, नॉट ऑल बट कुछ ड्रग की बनाता है, और उन ड्रग में दे हैव वो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर भी है, बिकॉज वो बहुत ही हाई क्वालिटी के ड्रग बनती हैं, जो इम्प्योरिटी बाकी सब कंपनीज देती हैं बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स वो उतनी नहीं है। तो देयर इम्पोर्ट डिपेंडेंस हैज डिक्रीज इन लास्ट 6 years, पहले जो उनका रॉ मटेरियल था ऑलमोस्ट 58% रॉ मटेरियल दे यूज टू इम्पोर्ट, अब जो है वो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट जो होता है वो 46% ही इम्पोर्ट होता है, ठीक है। तो 12% का इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हुआ है, होपफुली दिस शुड कीप ऑन गोइंग डाउन इन फ्यूचर एज वेल। तो अगर ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऐसा करते रहे तो इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना और चाइना प्लस वन में भी दे विल टेक हेल्प, और ऑब्वियसली उनकी ओवरऑल मार्जिन वगैरह भी इसलिए ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। मोड नंबर 4,
ठीक है, वर्किंग विद बिग फार्मा कंपनी इन कस्टम सिंथेसिस, और कस्टम सिंथेसिस इनका जो स्पेस है, जो हायर मार्जिन अगर सेट, उसमें दे आर वर्किंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा कंपनीज, मतलब 6 out of top 10 फार्मा कंपनीज दे आर वर्किंग, और अगर हम ओवरऑल टॉप 20 में तो 12 out of top 20 फार्मा कंपनीज अक्रॉस US, EU एंड जापान, ठीक है, तो वो उनके साथ ये कस्टम सिंथेसिस में वर्क कर रहे हैं, विच इज अ हायर मार्जिन एंड काफी डिफरेंट स्किल सेट रखता है, और पीआई इंडस्ट्रीज का अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कस्टम सिंथेसिस क्या होता है वहां पर, तो एक बार जरूर देख लीजिए अगर आपने वो नहीं देखा है, ठीक है, तो वो दैट इज ऑल्सो ए बिग मोड कि दे कैन डू दैट प्रोसेस विद एंड दैट रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रांग। कस्टम सिंथेसिस में रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग चाहिए एपीआई से, तो उससे ट्रस्ट पता चलता है कि क्या ट्रस्ट है बिटवीन देयर कस्टमर्स एंड देन देम, बिकॉज कस्टम सिंथेसिस में बहुत सारे एपीआई प्ले, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कंपनी 10-10 जगह मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है कस्टम सिंथेसिस, बिकॉज उसमें पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो लॉन्च नहीं हुए होते, आरएनडी में है वो, तो इसीलिए वो वहां पे ट्रस्ट जो है एक दो ही प्लेयर होते हैं जिससे कस्टम सिंथेसिस बड़ी कंपनीज कराती हैं और अपनी टाइमलाइंस इंप्रूव करती हैं, कॉस्ट कटिंग करती हैं, तो उसमें डिवीज इज प्लेइंग अ रोल एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग स्पेस फॉर देम। फिफ्थ लास्ट, ठीक है, लास्ट ये है कि एक तो स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बिकॉज ऑफ बिग नाउ दे आर ऑब्वियसली दे आर एबल टू डेवलप दोज ड्रग्स एट अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइजेस, ठीक है, और उनको एक्सपेंशन हो रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी लगातार कर रहे हैं एंड दे हैव अ वेरी क्लियर ग्रोथ ड्राइवर्स, तो उनकी अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लियरली दे हैव टोल्ड कि भाई हमारे कहाँ से ग्रोथ ड्राइवर्स आएंगे, राइट, जैसे सार्टन्स करके एक मतलब टाइप ऑफ ड्रग चेन, मतलब वो होती है फैमिली होती है, ठीक है, जो मेजरली हाइपरटेंशन में यूज होती है, तो उसमें दे से कि दे हैव अ वेरी बिग प्ले, दे आर ऑलरेडी प्लेइंग बैक, और आगे आगे उनका प्ले जो है वो बहुत बड़ा है बिकॉज बैकवर्ड इंटीग्रेशन में उनका काफ़ी बड़ा वहाँ पर प्ले है। जैसे जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया, राइट, ये एक्सरेज वगैरह जो है उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं उसमें भी दे आर प्लेइंग अ बिग रोल, दे आर प्लानिंग टू बेक अप, तो काफ़ी क्लियर उन्होंने अपने ग्रोथ ड्राइवर्स दिए हैं, ठीक है, और इस तरह से इनके ये जो मोड्स हैं अगर आप देखेंगे तो काफ़ी क्लियर हैं फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। रिस्क की बात जो है अब मंदार विल टेल यू, दे आर 5 risks ऑल्सो, ठीक है, तो दैट डोंट नोट दैट एज वेल। चलिए अब बात करते हैं डिवीज लैब्स के रिस्क के बारे में, जहां पर सबसे पहली रिस्क हम यहां पर बात करने वाले हैं एंड दैट इज द सेगमेंट मिक्स, यानी एपीआई बिजनेस, कस्टम सिंथेसिस बिजनेस, ये दोनों बिजनेसेस में एक रिस्क ये है कि ये दोनों बिजनेसेस क्लाइंट के ऑर्डर्स पे डिपेंड करते हैं, यानी जिस तरह से क्लाइंट का ऑर्डर रहेगा उस तरह से इन दोनों सेगमेंट्स का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से रहेगा। सो बेसिकली कंपनी का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जब एक B2B प्लेयर होती है तो उनको आइडियली क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट्स है उसी हिसाब से फंक्शन करना पड़ता है। तो हमें ये रिस्क कहां पर पता चलती है, ये हमें पता चलती है उनके सेगमेंट के जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमें पता चलती है। आप इस वक्त एक चार्ट देख सकते हो जहां पर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जेनेरिक एपीआई एंड कस्टम सिंथेसिस बिजनेस डिवीज का ओवर द ईयर्स इवॉल्व होता रहा है। यहां पर जो सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कभी कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में लगभग 60% तक चला गया है, कभी कभी अगले ही क्वार्टर में वो 40% तक आ गया, तो यहां पर जो वोलेटिलिटी है दोनों सेगमेंट के बीच में वो यहां पर उतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है। ये उस पर डिपेंड करती है कि कंपनी को करंटली जो ऑर्डर्स है वो किस सेगमेंट से ज्यादा आ रहे हैं एंड इसी पर उनके मार्जिन भी डिसाइड होते हैं। तो यहां पर ये एक रिस्क हो सकती है कि जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है वहां पर कंपनी का खुद का ज्यादा इतना कंट्रोल नहीं होगा। ऑब्वियसली कस्टम सिंथेसिस बिजनेस हायर मार्जिन बिजनेस है, सो किसी क्वार्टर में अगर कस्टम सिंथेसिस बिजनेस के ऑर्डर्स अगर ज्यादा होंगे तो उस क्वार्टर में ऑब्वियसली मार्जिन ज्यादा हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये एक यहां पर रिस्क डिवीज लैब के केस में है। नेक्स्ट रिस्क नंबर 2 हम बात करने वाले हैं एंड वो है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो चाहे काफी अच्छी रही हो लेकिन ये दोनों ही बिजनेसेस ने कोविड के इन्फेक्शंस कम होने के बाद काफी ज्यादा सफर किया है। अगर हम FY23 की बात करें तो यहां पर ऑलरेडी आपने देखा होगा कि डीवीज लैब्स के रेवेन्यू किस तरह से अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि कोविड के जो ड्रग्स थे वहां का जो भी इन्वेंट्री प्रेशर था, वहां की जो भी डिमांड थी वो इनके कस्टमर्स के ओर से बहुत कम आने लगी है। अगर हम जेनेरिक एपीआई बिजनेस की बात करें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी FY18 से लेकर हम FY22 की बात करें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो CAGR है रेवेन्यू का वो 17% रहा है, लेकिन जो 9 months ऑफ FY23 है यहां पर इनके सेल्स ने काफी सफर किया है। एंड ऑब्वियसली डिवीज लैब एक ऐसी कंपनी थी जिनको कोविड की वजह से काफी टेलमेंट्स मिले थे, क्योंकि इनका बहुत सारा प्रोसेसिंग, बहुत सारे APIs एंड कस्टम सिंथेसिस कोविड रिलेटेड ड्रग्स में हुआ करते थे, जिस वजह से उनको एक काफी टेलविंड उस दौरान मिला एंड करंटली हम देख रहे हैं कि यहां पर उनके रेवेन्यूज थोड़े से सफर करते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कस्टम सिंथेसिस बिजनेस की
तो FY22 में इस सेगमेंट ने लगभग 4,500 करोड़ का रेवेन्यू कमाया कंपनी के लिए, जो FY21 में सिर्फ 2,800 करोड़ था। सो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा एडवांटेज कंपनी को मिला। मोलनुपिरावर नाम का एक जो ड्रग था जिसका कस्टम सिंथेसिस डिवीज लैब करता था, तो उस वजह से कंपनी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट FY22 में मिला, जो सडनली FY23 में चला गया, जिस वजह से उनके 9 मंथ्स के जो रेवेन्यूज है FY23 के कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में वो सिर्फ 2,300 करोड़ रहे। तो ये यहाँ पर एक रिस्क है कि कोई भी वन टाइम इफेक्ट अगर कोई आता है तो वहां से कंपनी को एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज मिल सकता है, एंड उसके बाद जो है वो रेवेन्यूज वापस स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। तो ये एक रिस्क फार्मा बिजनेस में एंड डीवीज में ज्यादातर है, बिकॉज उन्हें ऑब्वियसली क्लाइंट ऑर्डर जिस तरह से आते हैं उस हिसाब से उनको फंक्शन करना पड़ता है। रिस्क नंबर 3 हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उनके मार्जिन के बारे में। मार्जिन जो है वो शार्पली डिक्रीज हो गए हैं FY23 में। उसका रीजन ये है कि इस FY23 में कंपनी को दो चीजों का सामना एक साथ करना पड़ा। एक तो ऑन वन एंड कंपनी के जो डिमांड आउटलुक था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होने लगा, बिकॉज जो भी इनके क्लाइंट्स थे जो कोविड ड्रग्स में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, सडनली उनके पास कोविड ड्रग्स की बहुत ज्यादा इन्वेंटरी रह गई एंड बाकी जो थेरेपीज थे उनको पुश करने का यहाँ पर इंसेंटिव कंपनी को ज्यादा नहीं था। उसी के साथ कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है, जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट है जो उन्हें API बनाने में लगते हैं, वो भी बढ़ने लगे। सो हायर कॉस्ट ऑन द इनपुट साइड एंड लोअर डिमांड, ये दोनों की वजह से मार्जिन्स जो है उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनके जो इबिड्डा मार्जिन है वो Q3 FY23 में लगभग 24% हो गए, जो उनके लास्ट 2-3 साल में कभी भी किसी भी क्वार्टर में इतने लो नहीं रहे थे। इसी वजह से उनके पैट मार्जिन भी यहाँ पर काफी ज्यादा सफर हुए। तो जो भी डिफरेंस उनको आता है बिकॉज ऑफ डिमांड आउटलुक या फिर कॉस्ट, वो डायरेक्ट उनके मार्जिन को इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट अगर हम इनके ईयरली मार्जिन हिस्टोरिकली भी देखें तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि ये काफी ज्यादा वोलेटाइल रहे। कुछ ईयर्स में इनके इबिड्डा ऑलमोस्ट 40% के ऊपर रहे, वहीं सडनली अगले ही साल में उनका इबिड्डा 35% के रेंज में भी आ जाता है। तो वोलेटिलिटी मार्जिन की काफी ज्यादा रही है एंड ये डीवीज का हमेशा से एक फीचर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क नंबर 4 एंड दैट इस कंपनी का एक्सपोर्ट डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑन टॉप प्रोडक्ट्स एंड टॉप कस्टमर्स। एक्सपोर्ट डिपेंडेंस किसी भी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये एक फीचर ही रहा है एंड डीवीज लैब इज नो डिफरेंट। कंपनी सिर्फ अराउंड 10-12% रेवेन्यू इंडिया से कमाती है, बाकी जो भी रेवेन्यू कंपनी कमा रही है दैट इज फ्रॉम एक्सपोर्टिंग मार्केट्स। जब भी कंपनी का एक्सपोर्ट एक्सपोजर ज्यादा होता है तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंपनी को अफेक्ट कर सकती है, राइट फ्रॉम एक्सचेंज रेट्स, इसके अलावा डिमांड आउटलुक कैसा है उन कंट्रीज में, उस तरह से उससे भी कंपनी की जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में ये उन्होंने मेंशन किया है कि उनके टॉप 5 प्रोडक्ट्स है दे कॉन्ट्रीब्यूट टू 60% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यूज। सो यहाँ से आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना ज्यादा डिपेंडेंस उनके टॉप 5 प्रोडक्ट्स पर है। वहीं अगर हम टॉप 5 कस्टमर्स की बात करें तो वो भी 54% रेवेन्यूज लाते हैं कंपनी के लिए, एंड ये जो रेशियोज है ये कई साल से कॉन्स्टेंट रहे हैं। सो यहाँ पर डिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा, सो दैट कैन बी अ रिस्क फॉर अ कंपनी लाइक डीवीज। एंड द लास्ट रिस्क दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द पास्ट गवर्नेंस इशू। 2020 ईयर में एक गवर्नेंस इशू रिपोर्ट हुआ था जहां पर कुछ सीनियर ऑफिशियल्स जो थे डीवीज लैब्स के, दे हैड उन पर सेबी ने एक ऑर्डर दिया था अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग। उसके बाद जो कंपनी के CFO थे ही वॉज द मेन जिनके अगेंस्ट सेबी ने यहाँ पर ये ऑर्डर दिया था, एंड अभी भी द CFO ऑफ द कंपनी हैज नॉट चेंज। हालांकि कंपनी ने उनको लीव ऑफ एब्सेंस के लिए भेजा था फॉर 3 मंथ्स, लेकिन कंपनी के CFO अभी भी वही है। हालांकि यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स में कोई और इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशन या फिर प्रमोटर सेलिंग यहाँ पर देखी नहीं गई है, पर ये एक काफी मेजर गवर्नेंस इशू 3 साल पहले यहाँ पर रिपोर्ट किया गया था। सो दैट रिमेन्स governance risk that we have with Divi's Lab. So that concludes the 5 risks of Divi's Lab. आपने वीडियो के स्टार्टिंग में गौरव सर से 5 moats कंपनी के जान लिए होंगे। So I hope आपको इस वीडियो में कंपनी के moats and risks काफी अच्छे से पता चले हो। कल वीडियो आएगा जहां पर परिमल सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि Divi's Lab के valuations कैसे हैं एंड उनका scenario analysis कैसा है। So do wait for that video. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये न्यू फॉर्मेट ऑफ वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।